गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह 9 बज रहे हैं अभी फिलहाल। तो मार्केट का सिचुएशन देखते हैं एक बार, मार्केट का क्या मिजाज है। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट डे देखा था कि एक वीक मंथली जो लास्ट मंथ हमारा था मार्च का, उसमें एक अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है। और यहाँ पे हमने देखा था कि एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी ब्रेक हुआ था। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न जो था, यहाँ पे ऐसे कप एंड हैंडल, इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट यहाँ पे हुआ एंड नाउ मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। एंड ये जो हमने देखा था मार्च का जो कैंडल है, ये काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ एंड काफी अच्छे शेप में इसने क्लोज दिया। इसमें वीक भी नहीं है तो अच्छे वॉल्यूम से, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल ब्रेकआउट है। और अगर हम वीकली के बेसिस में देखें तो यहाँ पर वीकली ब्रेकआउट भी हुआ है, बहुत अच्छा वीकली ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, एक वीकली कंसोलिडेशन पैटर्न में था ये काफी दिनों से, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट के बाद क्या, तो ब्रेकआउट के बाद कंडीशन कुछ ऐसा है कि लास्ट हमने देखा था यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था। तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ था, तो इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न को भी फिलहाल इसने ब्रेक किया। एंड ब्रेक करने के बाद फिर लास्ट डे क्या हुआ, लास्ट डे ही इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ अपसाइड भी क्लोज किया। राइट, तो अब क्या है इसका, अब इसका जो नेचर है, देखिए अब जाना तो ऊपर ही है अच्छे वॉल्यूम के साथ, बट आप आज कैसे एंट्री लोगे। तो आज आप थोड़ा सा वेट करो, अभी नहीं लेना है। अगर हम इसे देखें तो इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है 260 के आसपास, 260 के आसपास ना एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है इस जोन पे। एंड अभी भी उसके नीचे काफी स्ट्रगल कर रहा मार्केट। आज का दिन में मार्केट काफी छोटे से दायरे में ये स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम 4 आवर के चार्ट में देखें तो देखो इसका क्या है, यहाँ पे कल मार्केट ने क्लोज दिया इस जगह, मार्केट नीचे गया। एंड इस जोन में ये जहां से कल मार्केट ओपन हुआ था, ठीक वहां पर आया, रिटेस्ट किया एंड देन वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जोन काफी अच्छा जोन था जहां से ये बाय लिया, बट अभी ये यहाँ पे काफी कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, यहाँ इसको एक अच्छा रेसिस्टेंस बन रहा है। तो आपको अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, अगर इसने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ पे ये आज हमें यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है इस जगह, इस प्राइस पे 22.55-56 में रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आप एक बार वेट करो कि ये जोन एक बार ये निकाल दे, और अगर नहीं निकाला देन वेट अगेन, ये मे बी ये डाउन सेट आ सकता है। एंड यहाँ पे रिटेस्ट करेगा यहाँ पे पास्ट में एक पैरेलल चैनल का, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल था, इसने इस चैनल को भी ब्रेक किया। तो अगर इस चैनल को इसने ब्रेक किया तो मैं भी इसको यहाँ पे ये रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी देखें तो ये इस पैरेलल चैनल से अभी जो है टेस्ट करके, इसको टेस्ट करके अभी ये आ रहा है, तो मैं भी ये मिडिल बैंड तक फिर आए, फिर ये अपसाइड जाए। एंड मैं भी ये यहाँ थोड़ा सा इसको टाइम तो स्पेंड करना है, बिकॉज यहाँ इसको रेजिस्टेंस मिला है एंड फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस मिला है। तो जब ये दोबारा यहाँ जाएगा तो यहाँ आपको एक छोटा सा सेल ट्रेड मिल सकता है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं बुलिश हूँ, इसमें अपसाइड का ही ट्रेंड बनेगा। तो आपको यहाँ छोटे छोटे सेल का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पर ये भी बोल देता हूँ, अभी इन्होंने जो कैंडल के शेप्स बनाए 4 आवर में, आप इनका लो ब्रेक कर सकते हो, लो मार्क कर लो, ये आप इनका लो मार्क कर लो। ठीक है, ये आपका लो है। अब ये जो जोन है ये करीबन करीबन 80 पिप्स का एक जोन है। ठीक है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल। अभी अगर इसके नीचे ये ब्रेक डाउन देता है तो आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो, और अप साइड में जाता है तो आप यहाँ जाने पर
इसमें एक सेल का कंफर्मेशन देख के आप इस जोन से 60 to 65 का जोन है ये, मतलब 20 to 60 to 20 to 65 का जोन है, इस जोन से आप इसको फिर से सेल कर सकते हो। तो यहाँ से एक आपको सेल का ट्रेड मिलेगा एंड फर्स्ट टारगेट आपको इस जोन में मिलेगा एंड सेकंड टारगेट आपका ये जोन में मिलेगा जहां से ये ब्रेकआउट किया था। ओके, ये दो जोन है एंड नेक्स्ट इस पैरेलल चैनल में अगर ये आ जाता है यहाँ पे तो यहाँ से आप फिर से बाय ले जा सकते हो। ठीक है, ऐसे तो मैंने एक छोटा सा बाय सुबह लिया यहाँ पे, ये जो कंसोलिडेशन जोन है यहाँ पे, ये काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा था एंड धीरे धीरे मैं ये देखा कि ये जो जोन है इसको ये रिस्पेक्ट कर इस जोन को, तो मैं छोटे से एसएल के साथ मैंने इसको प्ले कर दिया। अभी ये यहाँ तक आ रहा है, मैं भी यहाँ से अपसाइड जाए या फिर इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक करने से मैं निकल जाऊंगा, बट ये छोटा सा ट्रेड है अभी, ये आप नहीं जाने पाए जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी इसका नेचर जो है यही है कि ये यहाँ से अब जाएगा भी तो यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, करीबन 62 63 मैक्सिमम 65 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको आना है डाउन साइड क्योंकि इसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए आना है यहाँ पे, उसके बाद ही ये अपसेट जाएगा। अभी फिलहाल इस चैनल को शायद ये रिस्पेक्ट, ये चैनल यहाँ पे बन रहा है, अगर इसने ये रिस्पेक्ट कर दिया यहाँ पे इसको फिर से बाय मिल सकता है इस जोन में, इस जोन में आने दीजिए। तो यहाँ से एक बार जबकि यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला तो ऑफकोर्स इसको ये प्ले जरूर करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आज क्या होता है, आज थोड़ा सा इसे आना चाहिए नीचे, नीचे आने के बाद फिर अगर ये ऊपर जाता है तो आप यहाँ से बाय ले सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पे आप बाय मत करो। मैं शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, आज के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप बाय मत करो इस जोन, ये बाय जोन नहीं है, कंप्लीटली बाय जोन नहीं है। आप छोटे छोटे ट्रेड करना चाहते हो तो अगर इसने इस जोन को ब्रेक किया तो छोटा ट्रेड आप यहाँ से ले सकते हो, 30 40 पिक के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोई ट्रेड फिलहाल बन नहीं रहा, हम एक बार 1 आवर में चलते हैं। ये 1 आवर का जोन है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको ब्रेक किया तो छोटा सा ट्रेड आप प्ले करो। ठीक है, आप जो टारगेट है आप 64 या फिर आप ये यहाँ तक, ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये पैरेलल चैनल का टॉप, यहाँ तक आप रख सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, या फिर आप यहाँ तक बुक कर लो तो यहाँ पे आपको 50 पिप्स के आसपास का एक ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे इस जोन में, लेकिन उसके बाद यहाँ से सेल इंडिकेशन मिलते ही आप सेल पे चले जाओ एंड देन सेल के लिए फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा ये जोन। ठीक है, इस जोन में आपका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड जोन आपका ये वाला है, यहाँ पे इसका सेकंड टारगेट आएगा। और अगर ये इस जोन में कोई बाय इंडिकेशन बनाता है, कोई डोजी फॉर्म करता है, रिजेक्शन फॉर्म करता है, मॉर्निंग स्टार फॉर्म करता है, और जैसा भी हो मारुगुजू फॉर्म करता है, एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म करता है, जैसा भी आपको कोई बाइंग सिग्नल यहाँ दिख जाए इस जोन में, देन गो फॉर बाय। एंड आपको फिर से अभी फिलहाल इस चैनल का ध्यान देना है कि ये कब तक इस चैनल को, ये जो पैरेलल चैनल है इसको ये रिस्पेक्ट करते हैं, आपको इसको फॉलो करते रहना। ठीक है, तो अभी बाय के लिए थोड़ा केयरफुल रहो, छोटे छोटे ट्रेड लेना है ले सकते हो, जैसे मैंने छोटा ट्रेड यहाँ पे ले रखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा अपसाइड तक प्ले करूंगा, मैं भी शायद अभी शेप तो ऐसे ही बना रहा कि अपसाइड ही जाएगा, अगर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का सिंबल कंप्लीट हो जाता है देन ये अभी अपसाइड जाएगा। ठीक है, चांसेस है। ठीक, ओके, तो आज का यही मेरा एनालाइज है, इस तरह से आप इसको प्ले कर सकते हो आज के डे में। तो मिलते हैं कल, कल क्या बनाता है बीच में, और मैं जल्दी से एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं टाइम टू टाइम इसका अपडेट देता रहूंगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, क्या सिचुएशन बन रहा है। अभी बहुत जल्दी आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो सेफली प्ले करिए, जो भी करना है आराम से प्ले करिए, केयरफुल रहिए इस जोन में, ये अभी बाय जोन नहीं है फिलहाल, कोने से छोटे छोटे प्ले कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ सेल का इंडिकेशन दिखे तो आप सेल कर सकते हो, अभी ये इस चैनल के अंदर ही मूव करने का चांसेस है। ओके, गुड लक, राम राम, आप लोग का दिन अच्छा जाए, आज के लिए इतना ही।